हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू मौर्य और आप लोगों का बायो प्लैनेट बाय अंजू मौर्य चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, ठीक है, टोटल स्टेम पैरासाइट और पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। तो देखिए, जो मैंने ट्रिक बताया है ना, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इस ट्रिक को मैंने लिखा हुआ है पहले टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट में लिखा है मैंने कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जानते हैं, ठीक है, टोटल स्टेम पैरासाइट है। और इसका आप एक ट्रिक याद रखेंगे, कष्ट, ये वाला कष्ट याद रखेंगे, CUST से कष्ट याद रख लेंगे। CU से आपका कस्क्यूटा हो गया, ST से स्टेम, मतलब टोटल, T से टोटल और S से स्टेम पैरासाइट, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे टोटल रूट पैरासाइट। इसका एग्जाम्पल है रेफ्लिशिया, ओरबैंके, बेलनोफोरा और सैफ्रिया। ये चार एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो ये कैसे आप याद रखोगे, तो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं हम लोग। वो स्टोरी हमारी है कि रफ़ी और बाली सफारी से टूर पर जाते हैं। रफ़ी से रेफ्लिशिया, ओर से ओरबैंके, बाली से बेलनोफोरा, सफारी से सैफ्रिया, टूर में आ जाएगा, ये टोटल रूट पैरासाइट है। बाली और रफ़ी सफारी से टूर पर जाते हैं। तो ये हो गया टोटल स्टेम पैरासाइट और ये हो गया टोटल रूट पैरासाइट। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है विस्कम और लोरेंथस। तो आप इसका ट्रिक याद रखोगे, पारस से पार्शियल स्टेम पैरासाइट, विस्की से विस्कम और लो से लोरेंथस, ठीक है ना। फिर पार्शियल रूट पैरासाइट को आप कैसे याद रखोगे, तो पार्शियल रूट पैरासाइट में सेंटेलम, चंदन और स्ट्रीगा आ जाता है। तो आप इसको याद रखोगे, संता एंड स्त्री रूम पार्टनर हैं। संता से सेंटेलम, स्त्री से स्ट्रीगा, रूम से रूट हो गया, पार्टनर से पार्शियल। तो पार्शियल रूट पैरासाइट, देखिए ये सब ट्रिक इतना मज़ेदार ट्रिक है कि आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हो। इसमें कन्फ्यूज़न के भी चांस नहीं होंगे, क्योंकि जो चीज़ें हैं एकदम सीधे लिखी हुई हैं। आपको पता चल जाएगा कौन स्टेम पैरासाइट है, कौन रूट पैरासाइट है, कौन टोटल है, कौन पार्शियल है। तो इस तरीके से जो है आप ये सब चारों चीज़ों को याद कर सकते हो। तो ये जो आपका जो यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाया है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही और भी ट्रिक्स मैं लेकर आऊँगी।